मां अन्नपूर्णा का मंदिर अब संगमरमर से तराश कर तैयार कर दिया गया है। अब ये मंदिर और भी सुंदर नजर आने लगा है। मंदिर की सुसज्जा में 3 साल का वक्त लगा है। नए मंदिर का लोकार्पण कर दिया गया है और पुराने मंदिर की मूर्तियों को नए मंदिर में स्थापित कर मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इंदौर में प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर धार्मिक पर्यटनों में से एक है। मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में नए मंदिर का निर्माण 6,600 वर्ग फीट किया गया। नए मंदिर का भूमि पूजन 3 साल पहले 29 जनवरी को किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसका काम रुका रहा। लॉकडाउन हटने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब ये मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर को सफेद संगमरमर से बनाया गया। नए मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 54 फीट है। इसको बनाने में 20 करोड़ का खर्च आया है। इस मंदिर का लोकार्पण समारोह 31 जनवरी से रखा गया था। अब 3 फरवरी को नए मंदिर के शिखर पर कलश प्रतिष्ठा ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही वर्तमान मंदिर में स्थापित मां अन्नपूर्णा कालका और सरस्वती की मूर्तियों की प्रतिष्ठा नए मंदिर में की गई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत शामिल रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।